आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड मरीजों की सेवा करने वाली नर्सिंग योद्धा आज सुबह कोविड से लड़ते लड़ते जंग हार गईं। मौत के बाद नर्सेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 55 लाख रुपए मुआवजा, शव को तिरंगे में लपेटकर कोरोना योद्धा सम्मान देने और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्टाफ नर्स नीता सराठे की ड्यूटी 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के लिए पेइंग वार्ड में मरीजों की सेवा के लिए लगाई गई थी। 18 अप्रैल को उन्होंने जब अपना कोविड टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती किया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें चिकित्सकों ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लेकिन लगातार स्थिति बिगड़ने के बीच आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। बहुत दुख के साथ हमें आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है, आप लोगों की मदद की एक बार फिर गुहार हम लगा रहे हैं। हमारा मैसेज कृपया कर आला अधिकारी कमिश्नर सर, कलेक्टर सर, सीएम सर तक जरूर पहुंचाएं। आज एक बार फिर हमने एक हमारी नर्सेस सीनियर बहन को खोया है। हम चाहते हैं इन्हें कोरोना वॉरियर का सम्मान दिया जाए। इनकी अंतिम विदाई हम तिरंगे में कर रहे हैं, पर चूंकि इनके पति भी पॉजिटिव है, उनका भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का बेटा, 1.5 साल की बेटी। माता पिता के जाने के बाद आप सब जानते हैं कि अगर कोई हमारे लिए रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा होता है तो वो होता है सिर्फ नगद रुपए। हम आपके माध्यम से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं सारे आला अधिकारियों से, चाहे कमिश्नर सर, कलेक्टर सर, सीएम सर, डीन सर, सुपरिंटेंडेंट सर, सबसे कि हमें लिखित आश्वासित करें इनके डेथ सर्टिफिकेट के साथ कि इन्हें कोरोना वॉरियर का सम्मान, इन्हें योद्धा की दी जाए उपाधि, और 55 लाख का जो कोरोना वॉरियर को कैश नगद राशि दी जा रही है वो, और एक लिखित अग्रीमेंट कि इनका भाई या इनका पति दोनों में से किसी एक को नौकरी दी जाए ताकि बच्चों का भरण पोषण हो सके। पिछले बार भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें आप लोगों ने एकत्रित होकर यही मांगी थी। हाँ जी, क्या हुआ था जी उसमें? हमें चूंकि उनकी बच्ची अभी बालिक नहीं है, आश्वासित किया गया है कि बालिक होने पर बच्ची को नौकरी दी जाएगी, और उनके 55 लाख की राशि को लिखित कार्रवाई कर आगे बढ़ा दिया गया है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो यही होगा कि अब से कोई भी स्टाफ कोरोना में तो ड्यूटी नहीं करेगा। पहले या तो वो हर स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर पर लिख कर दे दे कि अगर वो जाती हैं तो यहाँ ये सारी चीजें दी जाएगी। आपका पूरा नाम? जी हर्षा सोलंकी, नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष।